गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, आज डेट 1 जुलाई, न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है। होपफुली आप लोगों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही हों, जैसा कि हम सब की चल रही है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। आज काफ़ी सारे टॉपिक्स आए हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें डिटेल में डिस्कस करने चाहिए, इसलिए हमने इसमें इंक्लूड नहीं करे हैं। तो इसमें आज हमारे पास सिर्फ कुछ की पॉइंट्स टाइप की न्यूज़ हैं, टाइप के करंट अफेयर हैं, और हम एक जल्द ही एक वीडियो रिलीज़ करने वाले हैं जिसमें हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि न्यूज़पेपर से आप करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ हमारे पास आया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से, PMGKAY। ये एक्सटेंड कर दी गई है 5 मंथ्स के लिए, नवंबर तक, और इसका एक एडिशनल एक इसमें 90,000 करोड़ का भी एक एडिशनल अमाउंट ऐड किया गया है। ये योजना क्या है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये योजना रिलेटेड है हंगर से। इसमें जो गरीब हैं, जो अभी पेंडेमिक की वजह से जिनको अफेक्ट पड़ा है खाने में, उनके लिए फ्री फूड सप्लाई किया जाएगा। और ये योजना के अंदर अभी एज पर रिकॉर्ड्स 80 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिल चुका है। अंडर दिस स्कीम फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स 5 kg ऑफ फ्री राइस और वीट एंड 1 kg ऑफ चना विल बी प्रोवाइडेड फ्री टू 80 करोड़ इंडियन, ऐसा कहा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो क्वेश्चन याद रख लीजिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इज रिलेटेड टू अन्न, दैट इज फूड, एंड दिस इज एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 5 मंथ। 5 kg ऑफ फ्री राइस और वीट एंड 1 kg ऑफ चना विल बी प्रोवाइडेड फॉर फ्री। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 3 more drones in Assam village। जैसा कि आजकल न्यूज़ में काफ़ी सुनने में आ रहा है, आसाम में फ्लड आया हुआ है, एंड दैट फ्लड इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज़ अ फेमस पार्क ऑफ आसाम, एंड डियर्स एंड 1 horned rhino विच आर फेमस फॉर आसाम एंड फेमस फॉर काजीरंगा नेशनल पार्क। वहाँ पे 1 rhino एंड 13 hawk deer टोटल इनकी अभी तक डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ फ्लड, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। एंड हॉक डेयर अभी रिसेंटली 13 hawk deer की डेथ हो चुकी है एंड 1 rhino की डेथ हो चुकी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है न्यूज़ से, काजीरंगा नेशनल पार्क हमने काफ़ी बार वी इंक्लूडेड इन आवर डिस्कशंस, तो ये अब तक आपको याद हो चुका होगा कि वेयर इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क एंड वाई इट इज़ फेमस। एंड एक सेंचुरी और नेम आया है, इट्स पोबिटोरा सेंचुरी, एंड ये कहाँ है, दिस सेंचुरी इज इन आसाम, तो ये भी याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सेंटर टू फोकस ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन पे आजकल काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिस्कस हुए हैं, एंड नाउ वी हैव ए न्यूज़ रिगार्डिंग द ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल फॉर नेक्स्ट ईयर्स ऑफ आवर कंट्री। फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स द प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन विल बी टू फोल्डेड। इट मीन्स 2 चरणों में ये ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा। ऑन द फर्स्ट द HRD मिनिस्ट्री प्रोसेस will spend 2,306 crore on developing and translating digital course content and resources over the next 5 years. 5 years mein 2,306 crore rupees invest kiye jayenge digital course content mein, and jo next step hoga, jo second fold hoga, it intends to provide laptops and tablet to 4.06 crore student. This is a very big news for अवर एजुकेशन सिस्टम, जो कि फ्यूचर में काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं। बेसिक मेजर्स शुड बी फॉलोड, दैट इज इंश्योरिंग बेसिक वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, इट इज़ वॉश फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एबिलिटी ऑफ अल्कोहल रब, सैनिटाइजर, डिसइनफेक्टेड क्लीनिंग मटेरियल एंड इक्विपमेंट फॉर टेम्परेचर चेकिंग, ये सारी बेसिक चीज़ें होंगी। ये चीज़ स्कूल एंड कॉलेज दोनों में एप्लीकेबल है। कॉलेज में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट, एंड वहाँ पे रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है इस चीज़ की, फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कोर्स कंटेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। एंड ये जो स्कीम है, इट विल बी ए 2-handed स्कीम बाय सेंटर एंड स्टेट, विल शेयर द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिवाइस अवेलेबल इन ए 60-40 रेशियो। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं।
46 मिलियन गर्ल्स वेंट मिसिंग इन इंडिया, ये रिपोर्ट लॉन्च की है अभी, वर्ल्ड पॉपुलेशन 220 की ये रिपोर्ट है। एंड इसके अकॉर्डिंग 46 मिलियन गर्ल्स इंडिया में मिसिंग रिपोर्ट की जा रही है। इनका ये कहना है कि द रिपोर्ट एग्जामिन्स दैट द इश्यू ऑफ मिसिंग वुमेन बाय स्टडिंग सेक्स रेशियो इम्बैलेंस एट द बर्थ, जो जन्म के समय पे सेक्स रेशियो होता है उसमें इम्बैलेंस पाई गई है बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो कल्चर है सन को प्रेफरेंस देने वाला, इस कल्चर की वजह से सेक्स रेशियो में कमी आई है गर्ल्स के, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। रिपोर्ट में और कुछ मेंशन है कि अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का भी जिक्र किया गया है कि इस अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके पेरेंट्स इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं जेंडर को, जो कि इंडिया में बैन है बट फिर भी वो चीज़ प्रोसेस हो रही है और उस वजह से गर्ल्स का रेशियो, गर्ल्स के मिसिंग कम हो रही है और ये चीज़ बढ़ावा भी देती है फ्यूचर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट न्यूज। वर्ल्ड बैंक ओकेज फंड फॉर नमामि गंगे। नमामि गंगे इज ए स्कीम रिलेटेड गंगा रिवर एंड इसका दूसरा नेम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, दैट इज NMCG। इट रिसीव्ड वर्ल्ड बैंक लोन ऑफ रुपीज 4,535 करोड़, दैट इज $600 मिलियन वर्ल्ड बैंक टू 21 दिसंबर तक ये लोन प्रोवाइड कर देगा फॉर आवर नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। तो इस न्यूज़ में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के नेम मेंशन्ड हैं एंड वी विल कवर ऑल दिस प्रोजेक्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इनके हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड जो अभी चल रहे हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। हाइब्रिड जैसे कि प्रोजेक्ट है हाइब्रिड एन्यूटी प्रोजेक्ट DBOT, दैट इज डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट, जो कि बक्सर में चल रहा है बेगूसराय। द गवर्नमेंट्स नमामि गंगे प्रोग्राम हैज़ रीवाइटलाइज इंडिया एफर्ट इन रिजुवेनेटिंग द गंगा, ये कहना है वर्ल्ड बैंक का और उन्होंने लोन प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। प्रोडक्ट शुड डिस्प्ले कंट्री ऑफ ओरिजिन। ए पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट इज फाइल्ड अगेंस्ट द ई कॉमर्स वेबसाइट दैट इट petition says that Indian customers still keep kept in dark by not disclosing the country of origin. E-commerce portal superstitiously do not disclose the country of origin for the product on their web portals. ये एक काफ़ी valid point भी है कि country of origin show नहीं किया जाता है हमें online portal पर, चाहे हम किसी भी e-commerce site पर विजिट करें वहाँ पे अपना प्रोडक्ट देखें। ई कॉमर्स साइट का भी कहना है कि इट सेड दैट रूल्स ऑफ ओरिजिन इन ट्रेड लॉ वाज क्रूशियल, ये काफ़ी क्रूशियल है एंड वन कैन ऑलवेज लोकेट द मेड इन कंट्री लेवल्स वाइल परचेजिंग फ्रॉम द फिजिकल स्टोर। उनका ये कहना है वी कैन नॉट शो दिस बिकॉज ये सारी चीज़ें फिजिकल स्टोर में अवेलेबल होती हैं, ये एक रूल है, ट्रेड रूल है कि हम मेड इन कंट्री ऑनलाइन नहीं शो कर सकते। बट अभी एक वीक पहले मैंने इस न्यूज़ के बारे में पढ़ा था, थोड़ा डिटेल में पढ़ा था एंड अमेज़न के जो CEO हैं, जो अमेज़न के कंट्री हेड हैं हमारे, फ्लिपकार्ट के कंट्री हेड हैं, उन्होंने ये कहा कि वी विल चेंज अवर पैटर्न, वी विल ट्राई टू चेंज अवर वेबसाइट एंड एप्स टू शो द कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड वी सपोर्ट दिस बॉयकॉट चाइना मिशन। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ पलिस्तीन से रिलेटेड है, ये एक इंटरनेशनल अफेयर्स का मैटर है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के जो आर्टिकल्स आए हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, दो आर्टिकल्स आए हैं, एक तो वर्ल्ड काबुल नीड्स जो कि इंडियन एक्सप्रेस में मेंशनड है एंड गेटिंग आउट ऑफ द गन्स जर्म एंड स्टील क्राइसिस, ये आया है द हिंदू में। ये सारे आर्टिकल्स यू कैन ऑल्सो रीड फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल एट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू कैन डाउनलोड द हिंदू and the Indian Express and read it from there also. The pandemic imposed a steep learning curve is related to technology and is mentioned in the Hindu column. For the sake of our children is an important article related to the hunger and the poverty and is mentioned in Indian Express. Hope you guys like our video
एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. वी नीड मोटिवेशन फ्रॉम योर साइड टू. प्लीज कमेंट एंड इंटरेक्ट विद अस. वी ऑलवेज अप्रोच यू. वी ऑलवेज ask for your suggestions. If you have any issues, any queries, then please comment below. We will try to contact you and we will try to serve you, provide you the most important data for your preparation. All the best. Jai Hind, Jai Bharat.